आया दादा। तिथि आठें थी, भादों का महीना था, दिन बुध था, उस दिन को कृष्ण का अवतार हुआ है। आरे जवा कृष्ण लाओ अवतार रे सोई दरद मात के भगवत श्रोताओ, भादों का महीना था, तिथि आठे थी, दिन बुध था, और जैसे ही कंस ने कड़ी पहरेदारी लगाई दी, पहरेदार अंत कह दी है पहरेदारो आठ मेला लागी तैयारी है। और कंस ने यहां एक एक पहरेदारो मां दस दस लगाए दे, दस दस है मां दस दस हजार लगाए दे। और कंस कह रहा है कि आठ मो जे काल हो कहते तो निकलना जाए ए सो दुद्ध रुपया के नो करना है। कंस के यहां सुखा कह रहे हैं कंस ते महाराज तुम चिंता मत करियो, लला पैदा भाओ और हमने नैनो नैनो करके काटो। दुद्ध रुपया के नो करें सो कृष्ण से कह रहे हैं जा कि भय को पलक हिलवे से महाप्रलय हो जाती है पृथ्वी पे। सुक्का कह रहे हैं काऊ के हाथ में खुरपिया है, काऊ के महसिया है, काऊ के में कछुए, काऊ के में लठिया है। कड़ी पहरेदारी थी, चारों तरफ से भीड़ी भीड़ दिखाई दे रही थी। कह रहे महाराज तुम बेटेंशन सो, लला पैदा भोर हमने बाकी गर्दन काटी। और इधर भगवत श्रोताओ, कंस आया है आठवें पुत्र की तैयारी है। और कंस ने कर्म कौन सा किया, देवकी से कही है देवकी सुन, कंस बोला। देवकी रो करके बोली भैया मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया है जो तू इतनी बुरी तरीका से मेरे पीछे पड़ गया है। और कंस बोलो देवकी सुन ले, दिखाई दे
मैं अपने हाथों से लड़का को मारूंगा। देवकी रो करके कहने लगी, भैया भैया इतना कष्ट मुझे क्यों दे रहे हो। भगवत श्रोताओ, आज कंस तलवार रखे हुआ है देवकी की कोख पे। भगवत श्रोताओ, तब देवकी बोली, अरे भैया मत बोला करू ही बोलू रो रही है। केस बिखरे हुए थे मैया की, जादिन थे शादी है कि गई, सुख नहीं भोग पाया माँ देवकी ने, कारावास में पड़ी रही मैया, सारे शरीर की खाल लटक आई मैया की, और रोए के बोली, देवकी भैया मेरे उधर में दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं, कैसे बच्चा को जन्म दे दूं जबरदस्ती। कंस ने कई बच्चे को जन्म दे, मैं अपने हाथों से मारूंगा। भगवत श्रोता, अरे जाके उठती उधर में पीर, हाय मैया बिने बिने रो का चक्कर हुआ है।